दादरा नगर हवेली दमण दीव स्टेट राइफल शूटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन नी राइफल शूटिंग कॉम्पिटिशन तारीख 7 जुलाई थी 9 जुलाई ना रोज योजाई हती, जेमा दमण सेल्वास अने दीव ना 150 जेटला राइफल शूटर्सो ए भाग लीधो हतो, जेमा दमण नी ईश्वरी ए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मा सब यूथ अने यूथ बन्ने केटेगरी मा भाग लई सब यूथ मा गोल्ड मेडल अने यूथ केटेगरी मा गोल्ड मेडल आम बे गोल्ड मेडल जीत्या छे। दमणना रहेवासी डॉक्टर अगम चोनकर पीएचडी नी दीकरी ईश्वरी कराटे मां ब्लेक बेल्ट छे, पण हमना डॉक्टर अगम चोनकर अने एमनी दीकरी ईश्वरीए बन्ने थोड़ा महीनाथी ओलिम्पिक स्पोर्ट्स राइफल शूटिंग नी ट्रेनिंग लई रह्या हता। दादरा नगर हवेली दमण दीव स्टेट राइफल शूटिंग स्पोर्ट एसोसिएशन नी राइफल शूटिंग कॉम्पिटिशन 2023 तारीख 7 जुलाई थी 9 जुलाई ना रोज योजाई हती, जेमा दमण सेल्वास अने दीवना 150 जेटला राइफल शूटर्सोए भाग लीधो हतो, जेमा ईश्वरीए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में सब यूथ अने यूथ आम बन्ने केटेगरी में भाग लई सब यूथ में गोल्ड मेडल अने यूथ केटेगरी में पण गोल्ड मेडल आम बे गोल्ड मेडल जीत्या छे। अने मास्टर मेन्स केटेगरी में डॉक्टर अगम चोनकर पोते 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में भाग लई सिल्वर मेडल जीत्यो छे, जे बहुज गौरवनी वात छे। आ कॉम्पिटिशन माटे शूटिंग मा ओलिम्पिक विनर गगन नारंग नी एकेडमी गन फॉर ग्लोरी एंड रॉयल स्पोर्ट्स ना रेंज ऑफिसर्स आव्या हता। रॉयल स्पोर्ट्स ना प्रेसिडेंट धीरज सिंह ए डॉक्टर अगम चोनकर अने ईश्वरी बन्ने ने अभिवादन आपता कह्युं हतुं के ईश्वरीए आटली नानी 11 वर्षनी उमर मा आ सिद्धि मेळवी समाज माटे उदाहरण आप्युं छे। मैं पहले तो बता दूं, मैं कोई लंबा चौड़ा मोटिवेशनल स्पीच नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी लेट है। बाकी आज यहाँ जो सभी पेरेंट्स सभी स्टूडेंट जो भी हमारे टीचर हैं, आप सभी ने टाइम निकाल करके अपना कीमती समय निकाल करके आप आए इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम को इतना एक खूबसूरत रन किया, उसके लिए मैं असम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बाकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे पूरी टीम का, जिसमें कि हमारे चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर रोहन राय जिन्होंने आपकी मैच करवाई, हमारे चीफ आरटीएस की तरह काम किए, हमारे महेश गांवकर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा पुष्पा मैडम का जिन्होंने समय निकाल करके इतनी दूर से यहां पर आए हमारे बच्चों को सराहना देने के लिए। मैं टाइम खोलना चाहूंगा मेरे मित्र अभिषेक मिस्त्री जी को, मेरे मित्र राम चौहान जी को, मेरे मित्र जितेंद्र सिंह जी को जो हमेशा मेहनत में ज्यादा विश्वास करते हैं और पीछे की तरफ रहते हैं। मैंने आज तक जितने प्रोग्राम किए मैं स्टेज पर रहा हूँ, माइक पकड़ के बोलते रहता हूँ, वो हमेशा बेचारा वहीं पे पीछे खड़े रहता है। तो ये तो सबको सबको धन्यवाद कहना था, मैंने कह दिया, लेकिन मैं वापस से पिछली बार भी कहा था और मैं इस बार भी कह रहा हूँ, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेरेंट्स से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम मांगता हूँ कि आप मुझे टाइम दीजिए, रिजल्ट हम अपने आप दे देंगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, टेक्निक हम बताएंगे कैसे करना है क्या करना है। और हमारी जो टीम है वो बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, मतलब आज जैसे गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी आज चल रही है, आप सर्च करेंगे गन फॉर ग्लोरी धावका जो है हमारे गगन नारंग सर जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ में पवन सिंह जी जो हमारे मतलब मार्गदर्शक इंटरनेशनल कमेटी के जो जूरी कमेटी होती है जो रूल रेगुलेशन बनाती है उसमें 6 लोग की कमेटी होती है, जिसमें से एकमात्र पवन सिंह है जो हमारे इंडिया से है, इंडिया से वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ओलंपिक में एज अ जूरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो मतलब उनकी अगर लिस्ट भी ना हो तो बहुत लंबी चौड़ी है। और ये सारा सब कुछ जो हम लोग आके मेहनत कर पाते हैं, जो हम लोग ट्रेनिंग दे पाते हैं या जो कुछ भी दे पाते हैं, ये पूरी तरह से उनकी ही देन है, बस उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे सारा कुछ चला रहे हैं।
और आप लोग से मैं निवेदन करूंगा फिर से कि आप लोग टाइम दीजिए, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं ये सब लोग ध्यान दीजिएगा, आवाज आ रही है पीछे तक, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं प्री नेशनल के लिए उनको कांग्रेचुलेशन। आने वाला प्री नेशनल अहमदाबाद में होने वाला है, और जो नहीं हुए हैं थोड़े से पॉइंट से रह गए उनको भी एडवांस में कांग्रेचुलेशन, उनके लिए वाइल्ड कार्ड के लिए मैंने बात कर लिया, उनको वाइल्ड कार्ड के थ्रू हम प्री नेशनल के लिए भेजेंगे। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, वहां पे जाकर के रिजल्ट नीचे ना आवे, ठीक है, इसका ख्याल रखिए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे टॉप शूटर से, जैसे अर्जुन मनमोहन, और आप लोग जैसे आप इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हो, नेशनल की तैयारी कर रहे हो, आप कोशिश कीजिए हमारे दमन के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लाए, ताकि हमारे दमन के बच्चे और मोटिवेट हो सके, आपको देख करके उनको भी प्रेरणा मिले, और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में।